向对方发信息。हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तो गाइस, वैसे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये वन जेम बूस्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन जेम आर्मी बूस्ट है, 5 days 15 hours का अभी तक बचा हुआ है। तो वैसे यार, जो कॉन्सिक्वेंसेस जो फेस कर रहे हैं ना सब लोग, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा क्लाउड्स बढ़ गए हैं और उसके वजह से बेसिस ही नहीं मिल रहे हैं। सर, आप तो क्रिस्टल लीग वगैरह, गोल्ड लीग, तब मतलब वो लीग के भी प्लेयर्स मेरे को पूछ रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है और मतलब बेस क्यों नहीं मिल रहा है, ना लूट मिल रही है। तो ये इस वजह से हो रहा है कि आप देख सकते हो, क्योंकि इतने सारे इवेंट चल रहे फिलहाल, कितने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इवेंट कंटिन्यू चल रहे हैं। यहाँ पे क्लैन गेम्स है और वन जेम कलेक्टर बूस्ट है, वर्ल्ड पावर जो वॉल्केरी का इवेंट है, फिर रॉक हार्ड गोलेम का, फिर उसके बाद अपना आता है वन जेम आर्मी बूस्ट। तो ऐसे सच बताओ ना गाइस कि मेरे को ये वन जेम आर्मी बूस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, अभी हम लोग को लगता है कि हाँ यार अभी वन जेम बूस्ट मिल रहा है तो अभी मस्त एकदम अटैक करेंगे, एक एक दिन में स्टोरेज फुल कर देंगे। तो ऐसी बात नहीं है, जब नॉर्मल हम लोग खेलते ना तब भी लूट जितना मिलता है तो वैसा मतलब इवेंट में तभी नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा टाइम पे मतलब सब लोग सोचते हैं कि हाँ मैं अभी फटाफट अपग्रेड करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, हीरोज़ करूँगा। तो उसी चक्कर में ना बहुत सारे बंदे ऑनलाइन हो जाते हैं और उसी वजह से बेस मिलना बहुत कम हो जाता है। और अगर आप पुशर हो तो आपकी फिर एकदम अच्छे से लग जाती है, क्या होता है फिर ट्रॉफी से नहीं मिलता आपको, तो फिर लूट की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि स्टोरेज आपका कहीं भी फुल ही रहता है। तो बस यही रीज़न है क्योंकि मुझे ये इवेंट बिल्कुल पसंद नहीं है वन जेम आर्मी बूस्ट, क्योंकि अपने पास जेम्स होते हैं, अपन ट्रेनिंग पोशन वगैरह यूज़ कर लेते हैं तो सब मतलब हो जाता है। तो लेकिन अभी वैसे क्लाउड्स का तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, सबको पता ही है। तो अभी मैं देखता हूँ कि वैसे मेरे को अभी लाइव क्लाउड्स कितने मिलते हैं, यहाँ पे मैं अटैक करने वाला हूँ एक, तो अभी हम लोग सर्च करते हैं, देखते हैं वैसे मेरे को कैसा मतलब बेसिस मिलते हैं या नहीं। मेरा तो अभी वैसे अटैक फेल भी हुआ है, तो अभी मेरे को अटैक्स भी बहुत सारे करने हैं और ऊपर से तो एक तो टाइम ही नहीं मिल रहा खेलने के लिए, थोड़ा बिजी हो गया हूँ ना, स्ट्रीम भी नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे स्ट्रीम के बारे में भी हाँ बताता हूँ कि मैं करूँगा स्ट्रीम जैसे जैसे टाइम मिले, वरना मैं रेगुलर वीडियोस डालते रहूँगा। तो वैसे यार बोलते बोलते यहाँ पे एक भी बेस मेरा अब तक आया नहीं है, तो अभी हम लोग वेट करेंगे कि जब तक बेस ना आए तब तक हम लोग क्लाउडिंग करेंगे और मैं एक लाइव अटैक तो ज़रूर करने वाला हूँ। तो पता नहीं अभी ये वीडियो कितनी लंबी बनती है, क्योंकि ये इवेंट के चक्कर में तो बेसस ही गायब हो गए, सब लूट ही नहीं मिल रही, सबका यही इशू हो रहा है। तो यहाँ पे पहला बेस शायद मेरा ओपन हो रहा है, देखते हैं क्या बात है। टाउन हॉल 10 का बेस है ये, प्लस 12 ट्रॉफीज है। स्कीप करते देखते हैं, अभी हम लोग अच्छा बेस सर्च करते हैं, देखते ज़्यादा ट्रॉफीज़ मिलती भी है या नहीं। क्योंकि यार क्या होता है मतलब जब भी मतलब खेलने का टाइम होता है तभी मतलब अभी वैसे टाइम है तो अभी ये इवेंट चल रहा है उसकी वजह से बेस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे गाइस 39 ट्रॉफीज़ के लिए बेस, क्या बात है यार, नहीं मिल रहे करते करते बेस भी यहाँ पे मिल गया। तो अभी मैं इस पर अटैक करने वाला हूँ, मुझे तो पता नहीं वैसे क्या होगा। मैं तो यहाँ पे सीधा अटैक फेल भी हुआ तो भी मैं ये वीडियो तो अपलोड करने ही वाला हूँ। तो वैसे यहाँ पे कहाँ से ट्राई करूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा एकदम बेस देख के। ट्रॉल बेस ही है जो मतलब कहीं पर भी कुछ भी रख दिया, लेकिन टाइटन 3 क्या होता है ना, टाउन हॉल 11, 12 को कुछ मतलब नहीं रहता ट्रॉफीज़ का, टाइटन वगैरह तो नॉर्मल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि मतलब वहाँ तक तो डिफेंस वॉन करके ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे गोलेम मैंने जहाँ सोचा था वहाँ तो जा ही नहीं रहा, तो देखते हैं अभी क्या होगा। वॉल ब्रेकर्स तो अभी शायद से वॉल ब्रेक हो जाए तो अच्छा है। अरे यार वो भी मिस हो गया, किंग क्वीन तो किंग भी कहीं और ही जा रहा है। तो अब देखते हैं वैसे अटैक मेरा, मेरे को तो लग रहा है अभी अटैक तो फेल है। चलो तब तक गोलेम का थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए, यहाँ पे थोड़ा बिजी हो गया मतलब एक्सबो और आर्चर टावर मार रहे गोलेम को। चलो अच्छा है, क्वीन भी वहाँ तक पहुँच गई गोलेम के पीछे। अरे यार स्वीपर, चलो फाइनली स्वीपर तो पता है आपको बहुत दिक्कत देता ही है, और ग्रैंड वार्डन भी है। 23% तो अभी तक लगभग तो हो गया है, मेरे को टाउन हॉल के पास अगर मैं सब डिप्लॉय कर देता ना तो शायद से मेरा अटैक तो फेल ही होता, क्योंकि ट्रॉल बेस आपको पता ही है टाउन हॉल के पास, इसने बहुत सारे एयरमाइंस भी रखे होंगे एकदम आड़े टेढ़े करके। इसी वजह से मेरे को लगता है ये डिफेंस बहुत ज़्यादा वन जीता है, और इसी वजह से मेरे को लग रहा है कि ये टाइटन लीग पे भी है। तो ठीक है अभी देखते हैं वैसे क्या होगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। देख रहे हो यहाँ पे गाइस टेस्ला,
तो इसी को ट्रॉल बेस बोलते हैं, जो मतलब इजीली अटैक मतलब जिसपे नहीं होता वैसा रहता है, टाउन हॉल साइड में रख देते हैं और वहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स वगैरह रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे अपना अटैक हो गया यहाँ पे सक्सेसफुल, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे देखते हैं फिर, अभी टू स्टार तो कुछ होने तो नहीं वाला मेरे से, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं इस एयर डिफेंस है यहाँ पे। तो चलो यार ईगल आर्टिलरी हम लोग ब्रेक कर देते हैं अपने पास बेबी ड्रैगन से, तो शायद मेरे को अचीवमेंट वगैरह मिल जाए। मेरे को लगता है ब्रेक तो हो ही जाएगी क्योंकि बेबी ड्रैगन बचे अपने पास। तो चलो गाइस हो गया, यहाँ पे बैटल एंड में कर देता हूँ। ट्रॉफीज हमको मिली प्लस 13, चलो यार अच्छा है बहुत। मतलब कब से बोल रहा था बेसी नहीं मिल रहा, लेकिन मिल गया मेरे को फाइनली। तो ठीक है गाइस, बस इतना ही था इस वीडियो में। और अगर आपको अच्छा लगता है आप लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। हम लोग एम करते हैं 400 लाइक्स का। चलो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।